डियर स्टूडेंट, वेलकम माई यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज यहाँ पे हम इको सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन शॉर्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक वर्ड आता है इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? तो इसको हम देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी वो है, स्टडी है, अध्ययन है किसके किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो वातावरण है, उसकी स्टडी, उसका अध्ययन, उसके इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसका जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने इन शॉर्ट में लिख रखे हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड। और पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो आपका कैसे आया, किसने इसको खोजा, ये सब चीज़ देख लेते हैं। द वर्ड इकोलॉजी, जो इकोलॉजी शब्द है, इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड? ओइकॉस। ओइकॉस मीन्स हाउस आर अ प्लेस टू लिव इन। तो जो इकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक शब्द से। ग्रीक वर्ड जो है ओइकॉस, ये ओ है, ओइकॉस से आपका निकल के आया, डिराइव हुआ। इसका मीन्स है हाउस, या तो घर कह लीजिए, और अ प्लेस टू लिव इन, या एक जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, द वर्ड इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई यर्नेस्ट हैकेल्ड। ठीक है, तो इसको किसने क्वाइंड किया? यर्नेस्ट हैकेल्ड द्वारा ये क्वाइंड किया गया। अब इसमें जैसे एक हम ये भी देख लेते हैं, उस दिन हमने डिस्कस किया था, अभी आपके लास्ट वीडियो में मैंने इको सिस्टम चैप्टर जो था डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले जाके वहाँ पे वीडियो मेरा वॉच कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पे मैंने क्लास अर्थ साइंस आपका बायोलॉजी का इकोसिस्टम ये चैप्टर है, इसको मैंने, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा चैनल पे, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक देखने हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट? तो इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग कंपोनेंट, इसमें इंक्लूड होते हैं जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके इंक्लूड रहते हैं, ऑफ द एनवायरनमेंट, जो भी आपके एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या इंक्लूड रहते हैं, लाइक जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। अब यहाँ इन शॉर्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, उसको हम चलिए देख लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे इकोसिस्टम आपका क्या है? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन अ गिवन एरिया, जो एरिया दिया हुआ है उसमें वो रहते हैं, जैसे कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, तो जहाँ भी वो रहते हैं, जो भी उनका गिवन एरिया है, तो वहाँ पे वो रहते हैं, दैट इंटरेक्ट हो ईच अदर विद ईच अदर, वो एक दूसरे के द्वारा इंटरेक्ट होते हैं, एज वेल एज जैसे कि विद बायोटिक कंपोनेंट्स अब एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ द एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एबायोटिक एंड कल्चरल कंपोनेंट। तो जो आपका इकोसिस्टम है उसमें आपके मेनली
टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, और थर्ड आपका आ जाता है कल्चरल कंपोनेंट्स। ठीक है, कल्चरल कंपोनेंट्स क्या है ये सब हमने बताया है अपने पिछले वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट है द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाते हैं, नेमली प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अभी हमने पहले भी आपको बताया था। और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड क्लाइमेट फैक्टर सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके सारे आपके नॉन लिविंग्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका एयर है, वाटर है, सॉयल है एंड क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके जलवायु से संबंधित फैक्टर हैं, जैसे कि सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड हवाएं हैं, विंड हैं। ठीक है, अब कल्चरल कंपोनेंट्स क्या होता है, कल्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज़। और कल्चरल कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो बायोटिक में इंक्लूड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में इंक्लूड होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड कल्चरल कंपोनेंट्स में इंक्लूड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड इफेक्टेड द इन्वायरमेंट इन वेरियस वे। और जो कि ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है और इफेक्ट करती है द हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करती है इन वेरियस वेज, बहुत तरीके से। ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर। जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप में बटे होते हैं, उनका हर ग्रुप होता है, हर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका कुछ ना कुछ ग्रुप होता है। तो कुछ प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं, कुछ कंज्यूमर्स में आ जाते हैं और कुछ आपके डीकम्पोजर्स में आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। उन ये जो ग्रुप बटे हुए हैं, डिवाइड हैं, ग्रुप्ड हैं, वो डिवाइड हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स पे, किसके किसके द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर प्राइमरीली बाय फूड। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं अपने खाने के द्वारा, दे फॉर्म फूड चेन, वो एक फूड चेन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एंड फूड वेव इन द प्रोसेस, और इस तरह से उनकी जो फूड वेव एक फूड वेव्स तैयार हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंटरडिपेंडेंट है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू आ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन फ्रॉम अ फूड चेन। अब फूड, व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जीवों की श्रृंखला दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, किसके द्वारा, अपने खाने के द्वारा, जो उनका भोजन है उसके द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन सॉल्ट कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे एंड अदर एनिमल्स पे, और दूसरे एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, वो आपके कंज्यूमर्स कहलाते हैं। फूड चेन अभी हमने बता दिया है आपको। ठीक है, फूड वेब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप दैट कंटेन्स सर्वल फूड चेन। जो कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं वो आपके फूड चेन, जो जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स आ जाती हैं, वो आपके मिलके फूड वेव बना लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए ट्री है, उसको वो रैबिट भी खा रहा है, प्लांट को गोट भी खा रही है, काऊ भी खा रही है, और उनको फिर खरगोश को टाइगर खा रहा है, लायन भी खा ले रहा है। तो इस तरह से एक जाल सा बन जाता है, मतलब ऑप्शन रहता है उनके पास में। ठीक है, तो ये थे इन सॉल्ट में आपका कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया।